नमस्कार, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की खबरों के साथ मैं अतुल। सिंगरौली जिले के सरे ब्लॉक में लंगाडोल थाना अंतर्गत रेत माफिया सक्रिय कथित लंगाडोल थाना प्रभारी के इशारे पर चल रहा है। रेत का खेल, रात दिन सड़कों पर दौड़ते हैं ट्रैक्टर। जिले में एक तरफ खनिज के अवैध खनन व परिवहन पर रोक लगाने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं लंगाडोल डोंगरी बिंदुल सिंह रावल तालक भैंसा बूढ़ा में लंगाडोल थाना प्रभारी के द्वारा अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन करवाया जा रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए जोर शोर से लगी हुई है, तो वहीं सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह एवं खनिज विभाग इस पर रोक लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन लंगाडोल थाना प्रभारी द्वारा सरेआम अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लंगाडोल थाने में जब से नए थाना प्रभारी आए हैं, तब से रेत माफियाओं का हौसला बुलंद हो गया है।